एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सभी सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले भी देखिए, मैंने आप सभी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस के बहुत से वीडियो बनाए हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर सारे के सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक समाज में राज्य के जो भी कार्य संबंधी लोक कल्याण सिद्धांत क्या प्रचलित है, जो व्यक्तिवाद का आदर्श हो, चाहे स्वतंत्रता हो और समाजवाद का आदेश, आर्थिक सुरक्षा के आधार पर समाज का क्या करता है, निर्माण करता है। वास्तव में राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी है, जिसमें समाजवादी सिद्धांत का सार भी तत्व शामिल होता है और जिसके द्वारा देखिए जनता का क्या होता है, कल्याण किया जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार राज्य है नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक तंत्र है। कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नागरिकों के जीवन को क्या करना है, सुखी और संपन्न बनाना, ये मेन उनका मोटिव होता है। फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है राज्य के वे सभी कार्य करने के लिए कहता है जिनके द्वारा सीधा बात है कि जनता का कल्याण तथा हितों का क्या हो सके, काम हो सके और राज्य सच्चे अर्थों में क्या लोक हितकारी बन सके। इसी समाज को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर इसी प्रकार राज्य को हम लोग कल्याणकारी राज्य समझ सकते हैं, ठीक है। और यही बात देखिए, आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेलफेयर स्टेट, और यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे आप हिंदी मीडियम के। अगला सवाल है हमारा, विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। तो देखिए, हमारा लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में नई मांगे समाज और राजनीति के लोकतांत्रिक ढांचे में और आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का क्या करना चाहता है, वो जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति निर्णय निर्माण प्रक्रिया, विकास के लक्ष्यों के निर्धारण और इसके कार्यान्वयन की प्रणाली में शामिल होना पसंद करता है। ऐसा सहभागिता के उद्देश्य और शक्तिशाली होने के लिए किया जाता है। विकास और लोकतंत्र सामान्य हित को क्या करते हैं, अनुभव करने में संबंधित है। लोकतांत्रिक राजनीतिक उद्देश्य सामान्य हितों के लोगों के प्राप्त करने से, यह संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग द्वारा विकास की प्रक्रिया और सामान्य लोगों को विकास का लाभ देने से संभव है। लोकतांत्रिक समाजों में लोगों की सहभागिता के अधिकारों की प्रशंसा की गई और इस पर क्या दिया गया, जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी विकास की प्रक्रिया में नए नए अधिकारों को जन्म किस प्रकार दे दिया गया, व्हाट न्यू राइट्स क्लेम हैव बीन जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ओके। अगला सवाल हमारा, हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का शांति का एक दृष्टिकोण क्या व्यापक यानी बड़े लेवल पे ही है। तो देखिए, भारत की जो विदेश नीति का दृष्टिकोण या फिर नजरिया जो व्यापक है, भारत की विदेश नीति विश्व शांति के लिए लगातार क्या है, प्रयासरत है। भारत अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। देश की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत है हर तरह का साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा सभी देशों को उपनिवेशी मामलों से क्या करना, स्वतंत्रता। रंग भेद नीति का क्या करना है, बहिष्कार करना है। भुखमरी तथा बीमारी को क्या करना, जड़ से उखाड़ना है। सभी देशों के साथ मित्रता के साथ संबंध स्थापित करना एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्य संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभाना। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दूसरे भारत की शांति नीति का दृष्टिकोण नकारात्मक या युद्ध विरोधी नहीं है, किंतु हम ये जानते हैं कि युद्ध के कारणों का समाप्त किए बिना विश्व में चिरकालीन स्थायी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। भारत यह चाहता है कि सभी देश अपने अनावश्यक विनाशकारी हथियारों को विनाश कर दें तथा सभी राष्ट्र स्वेच्छा से क्या करें, निशस्त्रीकरण संबंधी संधियों पर क्या सच्चे मन से वो हस्ताक्षर करते। और ये बात है कि आप इंग्लिश लिखी हुई, हाउ कैन वी से दैट इंडिया विजन ऑफ पीस इज कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप सभी बच्चे, इंग्लिश मीडियम को जो भी बच्चे हैं इसे नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए। अगला सवाल हमारा, राजनीति क्या है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स। तो देखिए, राजनीति जो शब्द है वो यूनानी भाषा के एक शब्द जिसे पॉलिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता नगर साम्राज्य। प्राचीन काल में देखिए जो नगर राज हुआ करते थे, यही बात यहाँ लिखी, व्हाट इज पॉलिटिक्स, द वर्ड पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट, इन एंशियंट टाइम देयर वे सिटी स्टेट, ठीक है। फिर अगला हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप, आपको मालूम होगा कि नागरिकता क्या होता है। तो नागरिकता की यह विशेषता या फिर वह विशेषता अथवा गुण है जिसके कारण उसे राज्य से राजनीतिक अधिकार क्या होते, प्राप्त होते हैं और वो राज्य का क्या होता है, कि भारत किसी भी राज्य का वो नागरिक कहलाता है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सिटीजनशिप, तो लिख दीजिए सिटीजनशिप, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वलिटी ऑफ सिटीजन ड्यू टू विच ही गेट पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द स्टेट एंड ही इज कॉल्ड अ सिटीजन ऑफ द स्टेट।
फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि चुनावी घोषणा पत्र से आप क्या अभिप्राय है। तो देखिए प्रायः जो होता है आम चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों के साथ कुछ ऐसे लोगों को क्या करते हैं, एक वादा करते हैं, ठीक है, यद्यपि वह सत्ता रूढ़ रहे, यानी मतलब वो जीत के मान लीजिए, अर्थात चुनाव के बाद यदि उनके सीधा बात उनका जो पार्टी का जीता यानी उनके दल को विजय मिलती है तो वह दल देश एवं जनता के हित के लिए क्या करती है, कार्य करके पूरा करेगी। अतः जिस लेख में कोई राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम नीतियों तथा उद्देश्यों को बतलाता उसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि यूपी में चुनाव हुए थे, ठीक है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, ठीक है, दोनों ने अपने मैनिफेस्टो यानी जिसे कहते हैं चुनाव घोषणा पत्र में कि उन्होंने वादा किया था कि ये हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, ये हम करेंगे जब अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी, तो उसे कहा जाता है, याद रखिए, चुनावी घोषणा पत्र, या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसे कहा जाता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय नागरिकों के कोई 5 मौलिक कर्तव्य बताइए। तो पहला ये है कि संविधान का उन्हें पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, हमें आदर करना है। फिर अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका क्या करना है, हमें पालन करना है। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारत की प्रभुसत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे क्या करे, अक्षुण रखना चाहिए। फिर देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर हमें राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना हमेशा। फिर 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारत के सभी लोगों से समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग आधारित जो भी हमारे भेदभाव चलता है उसमें क्या कर त्याग सके और स्त्रियों के सम्मान में क्या हो सके, वो स्त्रियों के सम्मान के लिए वो हमेशा डट कर खड़ा रह सके। यही बात देखिए आप इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी लिखी हुई है कि राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा कि भारत, देखिए भारत कैसे करके एक गणतंत्र है यह हमें बताना है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वह होता है जहां पर जो सत्ता होती है वो राज्य के हाथों में नहीं होकर किसके हाथों में होती है, जनता, जो पब्लिक के हाथों में, देखिए जो भी सारे के सारे कह सकते हैं जो पावर, मेन पावर, वो लोगों के हाथों में रहती है, जिससे राज्य का जो अध्यक्ष होता है, जो हम लोग जिस राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं व्यक्ति होता है, भारत राज्य का जो सर्वोच्च अधिकांश वंशानुक्रमित राजा ना होकर, यानी देखिए पहले क्या चलता था, कह सकते हैं कि वंशानुक्रम चलता था, लेकिन अभी सिस्टम बदल के क्या हो गया, भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। यही बात यहाँ इंग्लिश मीडियम लिखी हुई है कि हाउ इज इंडिया रिपब्लिक, तो इंडिया इज रिपब्लिक स्टेट, अ रिपब्लिकन स्टेट इज एक्चुअली वन इन विच द पावर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट बट इट हैंड्स ऑफ द पीपल एंड विच इज द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड पर्सन, द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट द हेरिडिटरी किंग बट द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इंडियन पीपल। ठीक है, तो यार आपको मैंने अभी टोटल 8 सवाल करवा दिए जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस टर्म 2 सिलेबस के आधार पर बनाए गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर।